नमस्कार दोस्तों, दिल से देशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक संगठन राष्ट्र सेविका समिति की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तो आप सभी परिचित होंगे, जिसकी स्थापना सन 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में हुई थी। आरएसएस वर्तमान में सबसे लंबे समय से चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें कुल सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। राष्ट्र सेविका समिति भारत की स्त्रियों की एक विशाल संस्था है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्शन के अनुरूप ही कार्य करती है। राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना सन 1936 में विजयादशमी के दिन महाराष्ट्र के वर्धा में हुई थी। इसकी प्रथम प्रमुख संचालिका श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर थी, जिन्हें कार्यकर्ता मौसी जी कहकर बुलाते थे। वर्तमान में संगठन की प्रमुख संचालिका वंदनीय शांतक्का जी हैं। राष्ट्र सेविका समिति का ध्येय तेजस्वी हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण व ध्येय सूत्र स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है। राष्ट्र सेविका समिति की पूरे देश भर में 4,350 नियमित शाखाएं चलती हैं, जिसमें लगभग 1 लाख से 10 लाख कार्यकर्ता बहनें हैं। संगठन में दैनिक व साप्ताहिक शाखाएं लगती हैं, जहां शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक विकास व मनोबल को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपक्रम चलाए जाते हैं। प्रतिवर्ष समय समय पर बैठकें, वन विहार और शिविरों का आयोजन किया जाता है। समिति द्वारा पूरे भारत में 475 सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जो गरीब व वंचितों को धर्म, जाति, पंथ, समुदाय देखे बिना सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें उन्हें स्कूली शिक्षा, लाइब्रेरी, कंप्यूटर ट्रेनिंग आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिल से देशी चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।